नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही है पूर्वी। लेकिन अब आखिरकार जो नेत्रा ने करवाया है डिवोर्स के लिए, उससे सबसे ज़्यादा टेंशन में मुनीषा भी नज़र आई, क्योंकि मुनीषा की भी शादी नहीं होने देगी नेत्रा। हालांकि दोस्तों पूर्वी की टेंशन लाजमी है, क्योंकि पूर्वी का सभी को पता है कि पूर्वी कितना प्यार करती थी आखिरकार। जी हाँ, क्योंकि पूर्वी सबसे ज़्यादा प्यार करती थी आरबी से। लेकिन पूर्वी को ये भी पता चल गया था कि ये सब कुछ मेरी बहन ही कर रही थी, और नेत्रा पर भी मेरी बहन ही करा रही थी, क्योंकि नेत्रा इतनी बुरी नहीं है। लेकिन अब नेत्रा ने भी अपना गेम खेल दिया है मुनीषा से बोलती नज़र आ रही कि तुम्हारी औकात ही क्या है कि जब तुम मुझे अब आरबी से हटा सको, क्योंकि जब तुम अपनी बहन पूर्वी की सगी नहीं हो तो मुनीषा तुम मेरी क्या सगी होगी। आप लोग जानते हैं कि कहानी में थोड़ा नहीं है, बल्कि समय एक अलग ही ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। सूत्रों के हवाले से एक और भी बड़ी खबर मिलती हुई नज़र आने वाली है, जहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आएगा आरबी कि पूर्वी ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी बहन मुनीषा ने ही करवाया था। मेरे ऊपर रेप केस लगा था, उसमें तुम्हारी बहन की बहुत बड़ी भूमिका हुई थी। आने वाली कहानी में आप लोग देख पाएंगे कि मुनीषा होगी जेल के अंदर और साथ में नेत्रा भी होगी, क्योंकि जिस तरीका से किसी को ब्लैकमेल करना, और वो भी झूठे केस में, ये बहुत बड़े कानूनी अपराध है, और इन अपराधों में कहीं ना कहीं इस समय फंसती हुई नज़र आने वाली हैं यहाँ पर नेत्रा भी और मुनीषा भी, क्योंकि इन दोनों ने बेहद बड़ा अपराध किया है। इस अपराध के लिए इनको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूं रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा।